के वाले से भी मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। मैं समझता हूँ कि हमने मौला हुसैन पाक का जो तذکرہ किया है आज रोज़ टीवी की वसादत से, जितने भी नाज़रीन और सामईन हैं, मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये कि उनके ईमान को नई ताज़गी मिली होगी, बल्कि वहीं वहीं हमें शुजात, बहादुरी और हमें किरदार साजी का भी मौका मिलता है। ये वो दर है जिस दर के बारे में मैं एक छोटी सी बात शेयर करके मैं आपके दिए हुए सवाल की तरफ आगे बढ़ूंगा। चंद साल पहले एक हिंदू को मैंने देखा कि इंडिया से वो एक मातमी जुलूस के आगे चल रहा है और उसके हाथ में अलम है। तो मैंने उसे पूछा, हुसैन तो हमारे इमाम हैं, पेशवा हैं, तुम यहाँ क्या ले रहे हो? तो उसने शेर लिखकर मुझे भेजा कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, वाह दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल वाह के लोग, वाह ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। वाह अगर जमीर जिंदा है तो हुसैन राहबर भी है, रहनुमा भी है, पेशवा भी है। तो हमें आज जब इमाम अली मकाम का हम जिक्र करते हैं तो हमें एज ए पेशवा उन्हें लेना चाहिए। मौला अली शेर खुदा के बाद अल्लाह पाक ने हसन मुश्तबा के बाद जो मनसब इमामत और मनसब हिदायत है वो इमाम हुसैन पाक के पास आया। और इमाम हुसैन ने हमें ये बताया कि माँ शहीदों का नाम नहीं, अगर वक्त मुश्किल आ जाए तो फिर रसूलुल्लाह की तरह बद्र हुनैन में और उर्दो खंदक में निकलना भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। उसी सुन्नत को फिर आपने करबला में इस तरह निभाया कि रसूलुल्लाह की उस हदीस की तफसीर बन गए कि हुसैन मिन्नी माना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, पैदाइश से लेकर करबला तक अजमतों का को हमाला हुसैन मेरे सबब से है, और करबला से लेकर सुबह कयामत तक मेरा दीन और कलमा हुसैन के सबब से है, हक्का के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। जब हम देखते हैं कि इसी घर के अंदर सैयदा कायनात सजदों में ये दुआ मांगती है, मेरे रब मुझे एक ऐसा फर्जंद भी दे अली को कि जो मेरा मेरे हुसैन का नासिर बने, मेरे हुसैन का मददगार बने। फिर कायनात ने देखा कि इसी शाबान अल मुअज्जम के अंदर एक लम्हा वो भी आता है जिस लम्हे वो सैयदा उम्मुल बनीन के घर में जनाबे एक फर्जंद तशरीफ लाते हैं, मौला अली हाथों में लेकर फरमाते हैं मैंने इस फर्जंद का नाम अब्बास रखा है। और अब्बास को फिर ये मकाम मिलता है कि सानिये हैदर के लकब से पहचाने जाते हैं। आपने इस कदर वफा की, फिर उस हदीस की जो दुआ थी उसकी ऐसी तशरीह बने कि नासिर बनना है, और फिर आपको सैयदा उम्मुल बनीन ने कहा था बेटा कभी भी हुसैन की बराबरी का दावा ना करना, हमेशा गुलामी में फख्र महसूस करना। मौला हुसैन ने जिंदगी भर ख्वाहिश रखी मौला गाजी अब्बास से एक बार भाई कह दो, लेकिन वो कहते थे मैं आपका गुलाम हूँ, मेरी माँ ने मुझे आपका गुलाम बनाया था। मौला गाजी अब्बास ने को ये शर्फ हासिल है कि जिस तरह आपके वालिदे गिरामी मौला कायनात को रसूलुल्लाह ने बेपनाह मौकों पर अलम दिया इस्लाम का, और वो लेकिन अलमदार मौला अली नहीं मशहूर हुए दुनिया के अंदर, अलमदारी का लकब जो है वो मौला गाजी अब्बास के ही हिस्से में आया। और फिर ऐसा माँ ने वफा का शरबत आपको पिलाया, ऐसा घुटी में वफा डाली कि करबला की सरजमीन पर वो वफा और जानिसारी की मिसाल कायम की कि दुनिया आपको करबला के बाद शहनशाह वफा के नाम से पहचानती है। लेकिन एक वाकया इतना आम है कि जिस वाकया को सुनने के बाद मौला गाजी अब्बास की शुजात और बहादुरी में पता चलती, इन्होंने फन हर्ब, तलवार चलाने का फन, तीर नेजा चलाने का फन भी मौला अली शेर खुदा से उस उम्र में सीख लिया जिस उम्र में हमारे बच्चे बमुश्किल चलना सीखते हैं। जब जंगे सफीन होती है और लश्करे अली मुर्तजा बाहर आता है तो मौला अली के 18 बेटे यूं खड़े होते हैं, और अब वफा का आंसर देखिए, मौला अली फरमाते हैं मेरा अब्बास कहाँ है? सुभान अल्लाह। तीन बार जब पुकारा तो फिर बिल आखिर हसनैन करीमैन कहते हैं बाबा जरा पीछे पलट कर देखिए, जब पीछे पलट कर देखा तो सफीन की जंग में एक हाथ मौला गाजी अब्बास का हसन पाक के कदमों पे था और एक हुसैन पाक के कदमों पे था। 17 बेटे यू लाइन में खड़े हैं और 18वां हुसैन पाक हसनैन करीमैन के कदमों पर झुका हुआ है। ये वो एक नस्बत और वफा और गुलामी थी जिसने इमाम मौला गाजी अब्बास को इतना आला बना दिया कि आज भी उनका आलम घरों की छतों पर लहरा रहा है। इसका मतलब ये हुआ फिर आपने 13 साल की उम्र में आपको पहली बार अलम इस्लाम दिया, क्या वो शामी फौजों के मुकाबले में आपने इस्लाम के परचम को लहराना है। अब बागियों के मुकाबले में जब आप तशरीफ लेकर जाते हैं जी, तो उस वक्त एक ऐसा पहलवान जिसको अबू शासा कहते हैं और उसके बारे में आता है कि उसको 1000 पहलवानों के मुकाबले में भारी समझा जाता था, उसने देखा एक 13 साल का बच्चा निकाब पोश सामने आ गया और आपने दावत मुबारिस जब दी और हल मिन मुबारिस के लफ्ज आपने जब बोले तो लोगों ने कहा कि आप अबू शासा आप लड़ने के लिए जाए, उन्होंने कहा यह तो मेरा मजाक है, चलो मैं नहीं, अगर मेरे मुकाबले में समझते हो तो मैं अपने बेटों को, 7 बेटे थे यके बाद दीगरे 7 बेटों को
بھیجا, ہر ایک کو نیا وار سکھا کر بھیجا, لیکن واہ مولا غازی عباس ہر بار ہر بیٹا کٹتا چلا گیا, بالآخر ابو شاسہ مقابلے میں آیا تو مولا غازی عباس جو ذوالفقار حیدری کے وارث بھی تھے اور ثانی حیدر کرار تھے, ایسا وار کیا کہ ہزار کے مقابلے میں آنے والا ابو شاسہ مولا غازی عباس کے مقابلے میں ڈھیر ہو جاتا ہے. یوں شجاعت و بہادری کے وہ پیکر, لیکن کربلا کی سرزمین پر انہیں تلوار چلانے اور اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر.